पिछले मैच में कुछ खास कर नहीं पाई थी सलामी जोड़ी जिम्बाब्वे की अगर आप बात करें, और आज तौर पे जब नई गेंद इनके हाथ में होती है, अभी तक 12 विकेट ले चुके हैं, 10वां ही मुकाबला खेलते हुए। हाँ बिल्कुल इसी की बात कर रहे थे। आरपी सिंह कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है आपका। सीनियर अच्छे गेंदबाज होते हैं तो आपको सीखने का भी बहुत मौका मिलता है। ये बढ़िया गेंद, ये जो मैं पिछले में चर्चा कर रहा अनिल कुंबले वाली की, आप एकदम मुंह पे डाल दीजिए ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि बल्लेबाज का पैर निकलता ही नहीं, क्योंकि इतना यूज्ड टू हो जाता है आपकी लेंथ खेलने का कि उस गैप में गेंद थी, रन मिले वहां। और यहां पुल करने का प्रयास, बल्ले के बीच बॉल आई नहीं, वैसे फील्डर पीछे है पर हार मान गया फील्डर, देशनाथ के पीछे। पहला चौका इस पारी का जिम्बाब्वे के लिए। और अभी भी अपने लय में नहीं आए शार्दुल ठाकुर, थोड़ा बैक ऑफ लेंथ गेंद था और उसका बढ़िया फायदा उठाया बल्लेबाज ने, और मिड विकेट के क्षेत्र में एक अच्छा बाउंड्री, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ये बल्लेबाजों का। पर वो अपराइट सीम से आउटस्विंग फेंकते हैं और ये आउट, बढ़िया कैच संजू सैमसन द्वारा, मजबूर किया उन्होंने बैट्समैन को खेलने पर और काइटानो चलते बने। बहुत शानदार गेंद, लेंथ थोड़ी सी आगे करी और इसकी हम चर्चा कर रहे थे कि उनकी सीम बहुत शानदार चल रही है, जो रिलीज है बहुत शानदार है, पढ़ने के बाद थोड़ा जिप मिल रहा है, थोड़ी सी बाहर गई, हल्की सी बाहर गई, और दोहरे माइंड में थे बल्लेबाज, खेले छोड़े खेले छोड़े, बाहर औसत और बेहतर कर सकते हैं। ओ हवाई फायर, पैर पे गेंद थी, स्टंप पे गेंद थी, अच्छा शॉट, यहाँ ज्यादा बाउंड्रीज लगी नहीं पर अंदर आगे सीधा और सही शॉट लगाई वहां बल्लेबाज ने। मिडिल लेग से आउटस्विंग करने का प्रयास और बढ़िया शॉट यहां पर उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से, एक लगी है बल्ले पे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाग, चाहे ग्लव्स हो चाहे बैट हो, लगा है बॉल पे बल्ला और वहां पकड़ लिया संजू सैमसन ने लेग साइड पे कैच, अच्छा कैच पकड़ा, बाउंसर दोबारा से मारी और मिली इस बार सफलता। पिछले बाउंसर मोहम्मद सिराज का थोड़े बच गए इनोसेंट काया, इस बार उतना भाग्यशाली नहीं। जगह दी, बढ़िया फील्डिंग वहां पर मोहम्मद सिराज द्वारा, के पास पहुंच सकते हैं। लगी है बैट पे बॉल, अच्छा कैच हुआ शुभम गिल का, दूसरी सफलता यहां शार्दुल ठाकुर को। थोड़े अभी भी इनकंसिस्टेंट चल रहे थे बट दूसरी सफलता शार्दुल ठाकुर को, ये एक ओवर में दूसरी विकेट शार्दुल ठाकुर द्वारा, बढ़िया कैच यहां शुभमन गिल को, शानदार सीम होता है इनका, बॉल पड़ के उछल के बाहर गई। पहले ओवर में बढ़िया बढ़िया बैटिंग की, आगे बॉल डालोगे तो बल्ला चलता है, बल्ला फेंकता है बल्लेबाज, और यहाँ गैप में गेंद थी, वैसे कुछ रन जरूर मिलेंगे। लग गई है बल्ले पे बॉल, इसी लेंथ की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा आगे रखिए खिलाइए, पढ़ के बॉल बाहर गई, उछाल तो मिलती है इनको, रफ्तार है इनके पास, और संजू सैमसन के बारे न्यारे, आज तो कैचेस बहुत आ रहे हैं इनके पास, तो पकड़े भी। बिल्कुल बिल्कुल, विकेट्स का पतन जारी रहता हुआ यहाँ पर, दिन अलग बट कहानी वही। और अच्छी गेंद थी, देखिए बिल्कुल शरीर के पास थी, टेस्ट मैच डिलीवरी जहां इसको बोलते हैं, उछाल के साथ बॉल बाहर गई, अभी क्रीज पे उन्होंने बॉल खेली नहीं, दो नए बल्लेबाज क्रीज पे और शुरुआत कर दी रन के साथ, पंच किया, अच्छी शॉट है, और फील्ड फास्ट है वैसे, बढ़िया शॉट यहाँ शॉन विलियम्स द्वारा, तीन रन बटोरते हुए एक्सपीरियंस बल्लेबाज यहां पर क्रीज पर आ गए। शॉर्ट लेग लगाया था वहां, ओवर थ्रो किया है, लगता है अतिरिक्त रन मिल जाएगा जिम्बाब्वे को, जिसकी बहुत दरकार है यहां, रन तो बोर्ड पे लगने चाहिए कैसे भी आए। रन मिले यहां, किस्मत का साथ मिला बल्लेबाज को, टीम के सामने रन्स बनाना या फिर कम्पीट करना, ये अच्छा शॉट यहाँ पर शॉन विलियम्स का, जगह मिली थी बेहतरीन तरीके से, अच्छा फुटवर्क दिखाया, जबरदस्त चौका लगाया यहाँ पर शॉन विलियम्स ने, जिम्बाब्वे चाहता है कि इस मैच में नजर आए। इस बार पुल किया, हवा में है,
क्या ये सीधा क्लियर कर गया? हाँ भाई, ये पहला छक्का है इस मैच का, पहला छक्का शॉन विलियम्स द्वारा। शॉट डिलीवरी थी, जबरदस्त शॉट लगाया, इसे स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहते थे। और यहाँ पर एक जोरदार अपील और कोई शंका नहीं, ये एक एडवांटेज। शूट इज आउट, आई चेक द फ्रंट फुट, इट्स अ फेयर डिलीवरी। लेट्स स्टार्ट विद फ्रंट ऑन प्लीज। Impact, no shots, and missing the wickets. You'll have to overturn your decision. Stand by. Second, सामने के हाथ को संभाल के रख लेंगे तो जितनी परेशानियां उनकी बॉलिंग में आती है वो चली जाएंगी। और इस बीच कट करने की कोशिश, और कोई परेशानी नहीं वहां ईशान किशन के लिए, कट करना चाहते थे। का मतलब आपकी लेग स्पिन है, और जब कम नजर आए तो वो गुगली है, लेकिन शॉट इतनी होगी तो जो मर्जी हो मिलेगा चौका। आ गए थे वेस्ट इंडीज में। अरे मिडॉन ऊपर है, सामने ड्राइव किया शादुल, पीछे रोक नहीं पाएंगे, चार मिलेंगे। सड़क पे ज्यादा गुस्सा ना कीजिए, कई बार किसी से भी गलती हो। क्या ये विकेट मिलेगी? मिल गई जी हुडा साहब को, हुडा के आते ही सीधा गब्बर के हाथों में। ये देखिए जरा, अब ये माहौल बन गया। ये दर्शक, ये निकल गई ऊपर से की। मारना कहीं जाते थे, गेंद कहीं जाएगी, चार रन मिलेंगे 123 पे छे। अच्छा शॉट खेला, ये जगह बनाई थी ये शॉट खेलने के लिए। आसान नहीं होता ये शॉट खेलना इनसाइड आउट, और गेंद बाउंड्री तक भी पहुंचेगी। स्टंप्स में उनके करीब लाइन लेकर गए कि स्टंप्स में मारना, ये थी देखिए बात। फिर एक बार जगह बनाई, लेकिन टस से मस नहीं हुए शार्दुल ठाकुर। और काम आए, बहुत ही बारीकी से खेला है, बहुत ही फाइन खेला है, और इसी वजह से गेंद बाउंड्री तक भी पहुंच जाएगी। ये बिल्कुल सामने है, कोई तकलीफ या कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिप्ले के लिए अंपायर के पास गए हैं, रिव्यू लिया गया है। देयर इज अ स्पाइक व्हेन द बॉल इज नेक्स्ट टू द बैट, देयर इज नो गैप, देयर इज बैट इनवॉल्व्ड, यू हैव टू। पिछले दो या तीन साल का गेंदबाजी को देखा जाए तो अभी की गेंदों में थोड़ा जिप ज्यादा है, लेकिन थोड़ा लेग स्टंप पे चली गई। खामियाजा उठाएंगे यहाँ पे, कुलदीप यादव चौका प्राप्त हुआ, बाउंड करके गया और हवा में गया, उसके बाद उन्होंने किया आ क्लीन बॉल। ये पहली विकेट अक्षर पटेल के लिए, और काफी खुश होंगे क्योंकि अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया उन्होंने, काफी किफायती बॉलिंग भी उन्होंने की है। अब जब खुद सीनियर खिलाड़ी हो गए तो अक्सर, और बढ़िया शॉट, बॉल ने भर के दिया है इस बार, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, बॉलिंग में कोई कमी नहीं थी। ऐसे में कुलदीप यादव को निराश नहीं होना चाहिए, एक बार फिर से जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन फील्डर की भी टाइमिंग अच्छी नहीं थी कि उसे लपक नहीं पाए। थैंक यू, बैटर शॉट ऑफ हिज ग्राउंड, आई हैव अ डिसीजन फॉर द बिग स्क्रीन। लगा है जिम्बाब्वे की टीम को 155 रन के स्कोर पर। एक सौ पचपन पे 9, और ये अच्छा शॉट लगाया है यहां पर चवांगा ने। फिर से जोरदार अपील, गिरने के बाद बॉल अंदर आई, कोई असर नहीं, ले लिया गया है यहाँ पर डीआरएस के। नहीं अभी बोल रहे हैं कुलदीप यादव के ले लिया जाए, केएल राहुल इंतजार कर रहे हैं, और ले लिया गया है। पिचिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट्स मिसिंग। Stay with the original, not a decision. I know. Stand back. कहता है कि भाई गेंद तो जाके स्टंप पे लगेगी, तो वो तो अंपायर अपने कप्तान के पीछे पड़ जाता है।
वहाँ थोड़ा सा समझदारी विकेट कीपर को दिखानी चाहिए और उसे कप्तान को बताना चाहिए कि भाई रिव्यू गवाए ना आप। चलिए हो गया काम, यहाँ पे हो गया काम, थैंक यू वेरी मच कह रहे प्रसिद्ध कृष्णा। बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ लगा दी थी और सोच क्या रहे थे, यहाँ पर दो रन वहां पर था नहीं, एक रन लेके संतुष्ट होना चाहिए थे, यहाँ पर एक रन के लिए भी ना जाते। पिछले मैच में भी एक अच्छी शुरुआत दी थी जोड़ी ने अंगेल, लेकिन आज आपको एक नई जोड़ी नजर आएगी। पहली गेंद शुरू हुई यहाँ, खेलने की कोशिश नहीं की थी, शुरुआत अच्छी है यहाँ पे, निरंतरता नजर आती है उनकी बैटिंग में, जोरदार अपील और ये आउट। सर जो है वो गिर सा गया था, इसी वजह से संतुलन में थे नहीं केएल राहुल। क्या डीआरएस लेंगे? जी हां, लेनिका धवन से बातचीत कर रहे हैं और रिव्यू लिया है। चेक कमिंग अप, ओरिजिनल डिसीजन इज आउट, पिचिंग आउटसाइड ऑफ इंपैक्ट्स इन लाइन, विकेट्स हिटिंग, स्टे विद द ओरिजिनल आउट डिसीजन। एड्रियन स्टैंड बाय, योर ऑन स्क्रीन सिग्नल नाउ। जी हाँ बिल्कुल, गेंद जाके स्टंप्स के सामने लगी थी। एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर तो अगली लेग स्टंप पे, और इसका पूरा फायदा उठाया शिखर धवन ने। पहली बाउंड्री है ये इस इनिंग की। ये पिछले मैच में भी मुझे याद है किसी तरह का शॉट खेला था, उस वक्त भी कमेंट्री पे साबा करीम थे और उन्होंने कहा था ये इनका पसंदीदा शॉट है। जो पुल होता है वो जबरदस्त है और आवाज कितनी तगड़ी निकलती है बल्ले से, इसका मतलब है कि पूरे संतुलन के साथ ये शॉट लगाते हैं। शानदार शॉट, दर्शनीय है ये जो स्ट्रेट ड्राइव इस खूबसूरती से जब खेला जाता है। शतक लगाए हैं तो भारी तो पड़े होंगे कई गेंदबाजों पे, जिस तरह से यहां पे इस वक्त भारी पड़ रहे हैं शिखर धवन। लेंथ भी सही नहीं है ना तो लाइन। लेग बाई 37 पे एक और रन मिलेंगे, ओवर थ्रो होगा, रुक जाइए अभी 37 नहीं है तो 41 होने वाला है। 41 पे एक है अब 6 के बाद। यह है शिखर धवन, इस शॉट पे शिखर धवन की मानो मोहर लगी हो, छाप लगी हो जैसे, और विकेट मिलेगी चिवांगा को। ये देखिए जरा, ये आक्रमकता हमेशा एक तेज गेंदबाज में नजर आनी चाहिए। रफ्तार से यहां फंस गए शिखर भी है, हट्टे कट्टे हैं वैसे। वाइड गेंद, खराब गेंद और न्योता दिया था वहां बल्लेबाज को, कबूल किया दोनों हाथों से, कट करके चौका कमाया शुभम गिल ने। शाता है तकनीकी रूप से कितने सक्षम बल्लेबाज हैं और प्लस गेंद की लेंथ को भी सही से भाप रहे हैं। तो के अंदर आई एलबीडब्ल्यू किया था वो उनकी ताकत है। यहाँ अच्छा शॉट है, ये शानदार शॉट है, कट किया पहले और इस बार ड्राइव किया, दोनों बार अंजाम वही, दो चौके मिल गए। बहुत ही बढ़िया शॉट और ये दर्शाता है कि आप अच्छे लय भी देखा वहाँ भारतीय टीम के वार्म अप गेम में भी, आप दिमाग में खोखो में कैप चाहिए क्योंकि उछल कूद तो चाहिए साथ में फुर्तीला आदमी चाहिए। खराब गेंद यहाँ, लेग साइड गेंद, अच्छी शुरुआत करी नहीं गेंदबाज ने, जांगवे ने अपनी तजुर्बा बताए हमारे सामने, आपका डिमांड में थे। पहले शॉट की बात करें, ये शॉट तो हमेशा डिमांड में होता है, फुल फेस ऑफ द बैट, बिल्कुल सामने, सचिन तेंदुलकर याद दिला दी शॉट ने, वाह क्या कमाल की शॉट मारी। बहुत बढ़िया फॉर्म में, बहुत नियंत्रण साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं पूरे बैट के फेस से सचिन तेंदुलकर। जिम्बाब्वे हारे चाहे जीते जोश कम नहीं है, देखिए फैंस ग्राउंड पे आए सपोर्ट करने, खेल के प्रेमी हैं, ये अच्छा लगा। जितना तालमेल दर्शकों में है जिम्बाब्वे के उतना शायद टीम में भी नहीं आया। क्या बढ़िया गेंद थी ये, तालमेल की कमी जिसकी हम बात कर रहे थे, स्लिप नहीं मौजूद थी, कीपर प्रयास शुरू कर सकते हैं। अब इनकी झाल भरी पिच पे शॉट मारना जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया जब दौरा किया टेस्ट मैच वहां अच्छी ड्राइव मारी थी और खराब शॉट मार के यहां किशन
आउट हो गए। वाइड बॉल चेस किया इनसाइड एज और बॉल जा लगी स्टंप पे। देखिए इसमें शायद अगला पैर और बैट की लाइन गेंद की लाइन में जाना चाहिए था, क्योंकि आप ऐसे में नियंत्रण रहते नुकसान हुआ। आज बड़ा अच्छा मौका था ईशान किशन के पास, ये काफी रन बना के आए डोमेस्टिक में। ये तो काफी क्लोज लग रहा है मुझे, गेंद आगे की तरफ थी। पास कॉल का बहुत महत्व है। डिसीजन इज नॉट आउट, पिचिंग आउटसाइड ऑफ, इंपैक्ट्स इन लाइन, विकेट्स मिसिंग, स्टे विद योर ओरिजिनल डिसीजन, स्टैंड बाय। टच में दिख नहीं रहे थे, जबरदस्त बेमिसाल टाइमिंग है, ऑन द अप मारा है शॉट। हुडा ने अपने रिदम का लय का परिचय दिया कि मेरे पास फॉर्म है, एक मैच ओडीआई तो खेलते हैं पर टी20 टीम में नहीं है। क्या आउट हो सकते हैं, यहां आउट हो गए। शॉर्ट बॉल सीधा हाथ में मार बैठे शुभम गिल, थर्ड मैन फील्डर मौजूद था। जांगवे का दूसरा विकेट, अच्छा शॉर्ट पिच गेंद नियंत्रित। व्हाट अ शॉट, बढ़िया शॉट संजू सैमसन द्वारा मिड ऑफ और कवर के क्षेत्र के बीच में, चार रन। और इसी के साथ भारत का मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। और फिर से ये रैम शॉट, और इस बार दीपक हुडा का ओह बेहतरीन शॉट लगाया यहां पर। इसको कहते हैं कि बल्लेबाजी के साथ साथ वो फिटनेस भी होनी चाहिए, तभी आप फ्री हिट। और इस बार ये देखिए जबरदस्त शॉट यहां पर जड़ सा दिया संजू सैमसन ने, फ्री हिट जरूर था पर अंतिम ओवर गेंद पर यह चौका लिया संजू सैमसन ने। 17 के बाद 105 निकलकर मारा संजू सैमसन ने, बढ़िया संपर्क, पास द बॉलर, फोर रन्स। चलिए अब तो ऐसा लग रहा है कि अब चूंकि ज्यादा रन्स बचे नहीं है तो इस मैच को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लेग स्पिन, बढ़िया शॉट, बढ़िया संपर्क, 6 रन लॉन्ग ऑन के सिर के ऊपर से, तगड़ा शॉट संजू सैमसन द्वारा। और इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है, और इसके पहले भी इस बार एक और शॉट यहां पर, नीचे मारने का प्रयास किया ही नहीं, उनके स्लॉट में ये गेंद थी और ये शानदार प्रहार किया दीपक हुडा ने। एक और चौका आपने नाम किया, कुछ सोच रहे हैं ये अलग कहीं ना कहीं। ओहो, ये आदमी जब खेलता है तो ऐसे इससे बढ़िया कोई खिलाड़ी ही नहीं नजर आता, इतनी अब ये गेंद ढूंढिए कहां चली गई है, सभी ढूंढते रह गए ये गेंद गई तो कहां गई। विकेट मिली है, यॉर्क हो गए यहां पर, और ये गेंद जो है ये बड़े से बड़े बल्लेबाज को तंग करती है। ये अलग किस्म का स्टैंड है भाई, यहां पे ऊर्जा की कमी नहीं है। गैप ढूंढ लिया है, यहां पे गैप मिला मतलब बाउंड्री भी मिलेगी। ये शॉट हुआ और इसी शॉट के साथ ये मुकाबला भारत ने जीत लिया। और इस श्रृंखले में अब 2-0 की अजय भारत भारतीय टीम के पास है।